जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के वाहन के काफिले पर हुए हमले में अब एक और बड़ी जानकारी सामने आ गई है। बताया ये जा रहा है कि इस हमले में एक जवान की शहादत हो गई है और दूसरा काफी गंभीर है। वहीं तीन जवानों की हालत अभी भी स्थिर बताई जा रही है। शुरुआती दौर में ये जानकारी सामने आई थी कि जब एयरफोर्स की एक टीम जब अपने बेस की तरफ वापस लौट रही थी तो घात लगाकर पुंछ में उन पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में पहले खबर ये थी कि 5 जवान घायल हुए हैं और अब सुरक्षा अधिकारियों ने बताया है कि एक जवान अस्पताल में इलाज के दौरान शहीद हो गया जबकि एक काफी गंभीर है। आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर भीषण गोलीबारी की है। ये हमला सुनरकोट के सुनाई गांव में हुआ। भारतीय सेना और पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियां इलाके में भेजी गई। राष्ट्रीय राइफल यूनिट की स्थानीय इकाई ने इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया है। एयरफोर्स के वाहनों को शाह सितार के पास के एयरबेस के अंदर सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि घटना स्थल पर इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल गरुड़ कमांडो भी वहां पहुंचे हुए हैं। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान घटना में शामिल आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यह भीषण हमला हुआ था उसे देखकर यह लग रहा था कि कोई अनहोनी हो सकती है। और धीरे धीरे करके जैसे जानकारी सामने आ रही है उसमें यह खबर है कि एक जवान की शहादत हो गई है, वहीं दूसरा जवान काफी गंभीर बताया जा रहा है। वहीं जो अन्य 3 जवान हैं उनकी हालत इस वक्त स्थिर है। लगातार जम्मू कश्मीर में इस तरह की घुसपैठ करके जवानों पर हमले की कोशिश होती रही है। लगातार सुरक्षा बल इसे फेल करते भी रहे हैं। हाल के दिनों में सीमा पर घुसपैठ के दौरान बीएसएफ ने एक्शन करते हुए एक पाकिस्तानी को ढेर भी किया था, लेकिन जिस तरह से चुनाव के बीच में ये जानकारी सामने आई है उसे ये देखकर समझा जा सकता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से इस कोशिश में जुटा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में जो शांति बहाल हुई है उसको अस्थिर किया जा सके। और यही वजह है कि इस तरह से वो अपने आतंकियों को भेजकर घात लगाकर हमले करवा रहा है। हालांकि सुरक्षा बल उनके खिलाफ ऑपरेशन में जुट गए हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही कोई बड़ी जानकारी और सामने आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।